आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है खबर असरदार का। सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जिनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। कोर्ट ने उनकी रिमांड 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। शराब घोटाले में गिरफ्तार केजरीवाल ने कोर्ट में आज खुद अपने केस की पैरवी की, लेकिन वो जजेस को इस बात के लिए मना नहीं पाए कि शराब घोटाले में उनकी जो गिरफ्तारी की गई है वो गलत है। 4 दिन और ईडी रिमांड में केजरीवाल। जी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी, ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। केजरीवाल को 1 अप्रैल तक ईडी रिमांड। बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। केजरीवाल के मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 8 दिनों में उन्हें आज तीसरा झटका लगा। इसके बाद ये साफ है कि अब 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड में रहेंगे। शराब घोटाले के अक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल जी का 4 बार नाम ले रहे हैं, 4 बार, और अरविंद केजरीवाल जिसको बहुत कम बताते हैं। और एक बात और, जैसे ससनी केज खुलासा हुआ, अरविंद केजरीवाल जी अपने मोबाइल नहीं देना चाहते, उसके पासवर्ड खोल कर नहीं देना चाहते। क्या छुपा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी आपके मोबाइल फोन में? कोर्ट के सामने तीनों स्टेटमेंट लाए जाने चाहिए ताकि कोर्ट इस चीज को डिसाइड करे कि कौन सा स्टेटमेंट कोर्ट माने और कौन सा स्टेटमेंट कोर्ट ना माने। सच ये है कि दिल्ली की जनता को लूटा गया है, दिल्ली की जनता को ठगा गया है, शराब नीति में चोरी की गई है और अरविंद केजरीवाल उसके सूत्रधार हैं। कोर्ट में आज केजरीवाल खुद अपने केस की पैरवी की, लेकिन 39 मिनट तक चली सुनवाई में वो जजों को इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर पाए कि शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी गलत है। बाद में केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए ये आरोप लगाया कि जिन बयानों के आधार पर चांदनी चौक का एक जेबकतरा न पकड़ा जाए, उस बयान पर एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया गया है। अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोर्ट को बताया और कोर्ट को बताया कि ईडी किस तरीके से एक तरफा कार्रवाई कर रही है। ईडी ने अब से पहले जितने लोगों की स्टेटमेंट्स ली हैं, वो स्टेटमेंट जब तक लेते रहे उन लोगों की जो एक्यूज थे, बाद में अप्रूवर बन गए, वो स्टेटमेंट तब तक लेते रहे जब तक अरविंद केजरीवाल जी या हमारे बड़े नेताओं का नाम उनके मुंह से नहीं निकला। और वो स्टेटमेंट जैसे ही अरविंद जी का नाम लिया, उसके बाद फर्दर कोई स्टेटमेंट नहीं ली गई। ईडी की तरफ से अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि केजरीवाल के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने टालमटोल करने वाले जवाब दिए हैं। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी तो बनी गए हैं, वो लुटेरे तो बनी गए हैं, दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले तो बन गए हैं, पानी, सीवर, बिजली, दवाई सबके मामले में। दूसरी तरफ आज दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को थोड़ी राहत जरूर मिली, जहां उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी गई, लेकिन इसका उन्हें कितना फायदा मिल पाएगा ये देखना बाकी है। सवाल ये भी है कि क्या ईडी केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की इजाजत देगी। ईडी और केजरीवाल ने कोर्ट में क्या कहा, आइए जानते हैं। तो कोर्ट में ईडी ने कहा कि हमारे पास गवाह मौजूद है, साउथ ग्रुप के हवाला से पैसे आए थे, रिश्वत की रकम का गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ, कुछ और लोगों से केजरीवाल का सामना कराना है। इसके अलावा केजरीवाल ने कहा कि क्या सीएम को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, डिवाइस के पासवर्ड नहीं बता रहे हैं केजरीवाल, ये ईडी का कहना था। गोलमोल जवाब दे रहे हैं केजरीवाल। तो उस पर केजरीवाल का कहना था कि 2 साल से ये केस चल रहा है, ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है, मुझे किसी भी अदालत ने दोषी नहीं पाया तो फिर मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया, केस में मेरा नाम सिर्फ 4 बार आया है और ये राजनीतिक साजिश है, जनता जवाब देगी। तो क्या संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चल रही कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताना, न्यायपालिका पर दबाव बनाना और कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठाना नहीं है? आज इसी सवाल को लेकर एक चिट्ठी देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ को लिखी गई। देश के 600 जाने माने वकीलों ने इस चिट्ठी में कहा है कि एक खास वर्ग न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और इससे देश की अखंडता को खतरा है। चिट्ठी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। पब्लिक में बुरी तरह हारे, झूठे आरोपों के सहारे, कोर्ट से मिली मात, अदालतों पर आघात। क्या देश की न्यायपालिका पर अब दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? कुछ लोग अपने फायदे के लिए अदालतों को बदनाम कर रहे हैं। ये सवाल इसीलिए भी क्योंकि 600 से ज्यादा वकीलों ने देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिख करके ये आरोप लगाया है कि कुछ समूह अपने निजी फायदे के लिए न्यायपालिका के फैसलों पर सवाल उठाते हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। चिट्ठी लिखने वाले इन 600 से ज्यादा वकीलों में देश के जाने माने अधिवक्ता हरीश सालवे, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, मनन कुमार मिश्रा, आदेश अग्रवाल और स्वरूप माँ चतुर्वेदी जैसे वकील हैं। इन वकीलों ने न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर करने वाली साजिशों पर चिंता जताई है और ये कहा है कि कुछ खास समूह न्यायिक फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव की रणनीति अपनाते हैं, खासकर जब नेताओं और उनके भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े मामले हों तो ये लोग ऐसे बयान देते हैं जो सही नहीं होते, साथ ही अपने राजनीतिक लाभ के लिए अदालतों के बारे में झूठ फैलाते हैं। अपने ढंग का, अपने मन मुताबिक आदेश चाहते हैं लोग। जब करप्शन में इन्वॉल्व किसी एक्यूज्ड को रिलीफ नहीं मिलता है न्यायपालिका से, जुडिशरी पर हम दबाव डाल के अपने मन मुताबिक ऑर्डर ले ले। सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो देश के इन मशहूर वकीलों को इस तरह न्यायपालिका की अखंडता के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने गुहार लगानी पड़ी। तो इसका जवाब ये है कि पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें खुलेआम अदालतों के फैसलों की आलोचना की गई और मीडिया में अदालत के फैसलों पर ही सवाल उठा दिए गए। संविधान और भारत के डाइवर्सिटी, भाईचारगी, प्लुरलिज्म पर जिस किसी को आज भी अटूट भरोसा है और यकीन है, आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। हम न्यायपालिका से भी ये उम्मीद करेंगे कि उनकी आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उनकी आंखों के सामने विपक्ष की पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, तो लोकतंत्र को बचाना न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के बड़े नेता जब 338 करोड़ के शराब घोटाले में जेल जाते हैं, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों की जांच में उनका भ्रष्टाचार सामने आता है और कोर्ट उन्हें जेल भेजता है, तो उनकी पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। केजरीवाल खुद जांच एजेंसियों की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता देते हैं। मोदी सरनेम से लेकर नेशनल हेराल्ड केस तक, जब राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई होती है तो कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक मुद्दा बना देती है। तो भजन लाल का केस है सर्वोच्च न्यायालय का, जो कहता है कि पूरा मामला रद्द और निरस्त कर दिया जाएगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय नहीं गए थे नेशनल हेराल्ड केस में, उनको राहत नहीं मिली, उनका मामला निरस्त नहीं हुआ। भारत की जनता का विश्वास हमारी जुडिशरी पर है। जुडिशरी के जो जजमेंट को हम कह सकते हैं कि ठीक नहीं किया, परंतु हम उनके कार्य करने के और उनको ये सर्टिफिकेट देने के एंटाइटल नहीं है कि अच्छा कर रहे हैं या गंदा कर रहे हैं। रिलीफ दे दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो गलत है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वकीलों की जो चिट्ठी है इसमें क्या है, इसका पूरा मामला वो आपको अब ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देश भर के 600 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये चिट्ठी लिखी है। कहा है कि न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, जो विशेष समूह है वो न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, घिसे पिटे राजनीतिक एजेंडे के तहत झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, अदालतों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। वकीलों की चिट्ठी में सीजेआई पर भरोसा जताया गया है। न्यायपालिका पर सवाल उठाने वाले समूहों की शिकायत, न्यायपालिका पर सवाल उठाने वालों पर एक्शन की मांग की गई है इस चिट्ठी के जरिए। तो अब इस चिट्ठी पर जो वकीलों ने चिट्ठी भेजी है सीजेआई को, पीएम ने क्या पोस्ट किया है वो आपको बताते हैं। कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 140 करोड़ भारतीयों ने कांग्रेस को अस्वीकार किया है। कांग्रेस देश के प्रति जिम्मेदारी से बच रही है। 140 करोड़ भारतीय कांग्रेस को नकार रहे हैं। कांग्रेस देश के प्रति प्रतिबद्धता से बच रही है। कांग्रेस स्वार्थ के लिए चाहती है प्रतिबद्धता। बढ़ते आगे,
इंडिया गठबंधन में उठापटक थम ही नहीं रही। महाराष्ट्र से बिहार तक इंडिया के बीच सीट शेयरिंग पर युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी में विवाद है तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में घमासान मचा हुआ है। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का इशारा किया है। चुनाव से पहले ही विपक्ष का एक गठबंधन आपसी झगड़े की वजह से बेदम हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर उठा पटक अभी तक थमी नहीं। बिहार से महाराष्ट्र, यूपी से पंजाब तक इंडिया गठबंधन में तलवारें खींची हुई है। कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया से अलग होने का कोई मैं मेरे जहन में मेरे खून में मैं सोच ही नहीं सकता। माननीय गार्जियन हम मानते नहीं चुनाव करेंगे और वो साथ देंगे। इतना अगर उनको होता तो बुरा लगता जब कांग्रेस का पूरे 48 में एक सांसद था। तरीके से मुंबई की 6 में से 5 सीटें शिवसेना के हवाले कर दी गई वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मुंबई में पूरी तरह से दफन करने का एक कार्यक्रम है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने दंगल में ऐसा दांव चला है कि पप्पू यादव की पूरी राजनीति चित हो गई है। पूर्णिया से टिकट के भरोसे पर ही पप्पू ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय तक कर दिया था। कांग्रेस के साथ लालू यादव ने सीट बंटवारे पर सहमति बना ली और पूर्णिया सीट पर बीमा भारती की उम्मीदवारी का ऐलान भी कर दिया। कांग्रेस के साथ लालू की बात तो बन गई लेकिन पूर्णिया में नया कुरुक्षेत्र बन गया है। पप्पू यादव के समर्थकों ने आरजेडी पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। पप्पू यादव कांग्रेस से आस लगाए बैठे हैं। उन्होंने दोहराया है कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। मौत के बाद ही न पूर्णिया से कोई मुझे अलग कर पाएगा। पूर्णिया से मैं कहीं नहीं हूँ। मैं अपनी जितनी क्षमता लाने ईश्वर ने दी है हम उसको लगाएंगे इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीटों का खटपट है। उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी अलग अलग डायरेक्शन में है। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। सीट शेयरिंग के पहले शिवसेना के उद्धव गुट ने लोकसभा चुनाव के लिए 17 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है जिसके बाद एनसीपी के शरद पवार गुट और कांग्रेस दोनों नाराज हैं। पवार ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों के आवंटन की घोषणा की जानी चाहिए थी। बीजेपी के साथ कोई नहीं है तो उनका कोई सीट शेयरिंग का मामला नहीं है। बात फंसी है उनकी महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग अब तक क्यों नहीं हो रही है। बार बार ये शिंदे और अजीत पवार को दिल्ली क्यों जाना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है। बीजेपी 28, शिवसेना 14, एनसीपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन को झटका दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 सीटों पर जीत हासिल करने वाली है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भागम भाग जारी है। कांग्रेस के दो और पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीएसपी के एक पूर्व सांसद ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस में मची इस भगदड़ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा और कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ने वालों को लेकर क्या कह रही है, आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में भगदड़ जारी है। एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में अब कांग्रेस के दो और दिग्गज नेता शामिल हो गए हैं। बीएसपी के पूर्व सांसद ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। भिंड के पूर्व सांसद और बीएसपी के स्टार प्रचारक राम लखन सिंह कुशवाहा, पाटन के पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी और खरगापुर के पूर्व विधायक अजय यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में तीनों ही नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली। परमात्मा की दया है तो आज आप वापस हमारे साथ आए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कुल मिलाकर यह आश्वस्त करता हूं कि आप सरकार के अंदर आपके अच्छे उपयोगी सुझावों में उसका भी पालन करेंगे। सरकार के माध्यम से जनता की सेवा करने के
आपका भी उपयोग करेंगे, आपको हिस्सेदार बनाएंगे। हमने आज से ही मुकाम संभालना है, यहाँ से हम संजय भाई वगैरह सब तालमेल कराएंगे धीरज भाई, तो आपने कल हम थे आशीष भाई के कार्यक्रम में, तो हम सब अपने अपने मुकाम संभाल करके अच्छी ताकत के साथ जिताएंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार अपने परिवार में आपका स्वागत है। एमपी में शायद ही कोई ऐसा दिन बीत रहा हो जब कांग्रेस छोड़कर कोई नेता बीजेपी में शामिल ना होता हो। कांग्रेस के नाराज नेताओं को बीजेपी में लाने की जिम्मेदारी पार्टी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सौंपी है। नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी ने न्यू ज्वाइनिंग टोली का संयोजक बनाया है और वो जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। अब तक हजारों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। खुद सीएम मोहन यादव अधिकतर नेताओं की ज्वाइनिंग के वक्त मौजूद रहते हैं। नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि अब तक 16,000 से ज्यादा कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इतना ही नहीं, अभी 1,00,000 तक कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन कराने की बात कही जा रही है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तंज कसा है। जो लोग जा रहे हैं तत्काल फायदा देखने वाले लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस से सब कुछ दोहन किया और वो लोग चले गए, वहाँ कोई पूछ उनकी होने वाली नहीं है। कांग्रेस में एक अलग सम्मान रहा है, ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत को आजाद करने वाली पार्टी है। ये लोग वो हैं जो धोखा दे रहे हैं कांग्रेस को, अपनी माँ को। बीजेपी का ज्वाइनिंग अभियान जारी है, कांग्रेस के दिग्गज कमल थाम रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं का यू पार्टी छोड़ना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। इन नेताओं को धोखेबाज बताकर कांग्रेस अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कवासी लखमा का एक बयान भी काफी चर्चाओं में है। एक जनसभा में कवासी लखमा कहते हैं कि मैंने टिकट नहीं मांगा, फिर भी मुझे दे दिया। बेटे के लिए बहू लेने गया था, मुझे ही पार्टी ने दुल्हन सौंप दी। दरअसल कवासी लखमा ने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें ही प्रत्याशी बना दिया। कवासी लखमा का अजीब बयान, बेटे के लिए दुल्हन मांगने गया था। मैं बेटा के लिए डाउकी मांगने गया, बुआरी तो मेरे को सौंप दी। पार्टी ने मुझे ही दुल्हन सौंप दी। टिकट पर कवासी लखमा का दर्द, मुझे क्यों टिकट दिया, मैंने तो टिकट मांगा ही नहीं। मुझे क्यों टिकट मिला, मैं तो टिकट नहीं मांगा। मुझे क्यों टिकट मिला, मैं तो टिकट नहीं मांगा। अब इसे दर्द कहें या खुशी, ये तो कवासी लखमा ही जाने। बेटे को टिकट नहीं मिलने का दर्द है या फिर अपने आप को टिकट मिलने की खुशी। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कवासी लखमा एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल कवासी लखमा ने कहा कि मैंने तो पार्टी से टिकट मांगा ही नहीं, फिर क्यों मुझे टिकट दिया गया। अगर देना था तो दीपक बैज को टिकट दो। मुझे क्यों टिकट मिला, मैं तो टिकट नहीं मांगा। मेरा यार खुद दीपक बैज को दो। अगर प्रदेश अध्यक्ष है, हमारा सब फिगर का सबसे बड़ा नेता हुई है। दरअसल कवासी लखमा जगदलपुर के लालबाग मैदान में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली पार्टी के पास गया, मैंने टिकट अपने लिए नहीं बल्कि बेटे के लिए मांगा था। कवासी लखमा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैं तो अपने बेटे के लिए दिल्ली बहू तलाशने गया था, लेकिन पार्टी ने मुझे ही दुल्हन दे दी। मुझे क्यों टिकट मिला, मैं तो टिकट नहीं मांगा। मैं 11 सीट जीता रहा है, अगर तकलीफ होगा तो मेरे बेटे को टिकट दो। मैं बेटा के लिए डाउकी मांगने गया, बुआरी तो मेरे को सौंप दी। मैं बेटा के लिए डाउकी मांगने गया, बुआरी तो मेरे को सौंप दी। सही बात है कि नहीं? कवासी लखमा के इस बयान पर सभा में मौजूद लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। आपको बता दें, बस्तर से दीपक बैज का टिकट काटकर कांग्रेस ने कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि जो कवासी लखमा टिकट नहीं मांग रहे थे उनको पार्टी ने टिकट दिया। देखिए, कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और लोग कांग्रेस को छोड़ करके भाग रहे हैं। आप न्यूज में देखते होंगे कि यहाँ सम्मेलन हुआ तो हजार कार्यकर्ता शामिल हुए। अच्छा, जो शामिल हो रहे हैं उसमें कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी भी हैं और पंचायती राज के जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, सब कांग्रेस को छोड़ करके भाग रहे हैं। देखिए, कांग्रेस डूबती हुई नाव है और इसलिए
दुरुक से जो विधायक होते हैं उनको भेज देते हैं नांदगांव, जो दुरुक से चुनाव लड़ते हैं उनको भेज देते हैं महासमुंद, जो भिलाई से चुनाव लड़ते हैं उनको भेज देते हैं बिलासपुर। तो कांग्रेस जो है उनके पास में अब ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिल रहे, ऐसा है, उसको तो दीपक बैज बताएंगे। कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं जो इस तरह टिकट बांटे जा रहे हैं। अब जो भी हो, पार्टी ने कवासी लखमा को दुल्हन यानी टिकट दे दिया है, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। फिल्म इंडस्ट्री में कई सितारे हैं जो फिल्मी करियर संभालने के साथ साथ राजनीति में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। कंगना रनौत, अरुण गोविल जैसे बड़े सितारे इस बार लोकसभा चुनाव के जरिए राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। इनके अलावा और कौन कौन से सितारे हैं जो सियासत में अपना दमखम दिखाएंगे और कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी साल हो, सियासी माहौल टाइट हो और इस पर फिल्मी सितारों का तड़का न लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भौकाल दिखाने के बाद एक बार फिर से 2024 के चुनाव में कई सेलिब्रिटीज अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत और रामायण सीरियल में श्रीराम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल का नाम भी शामिल है। चुनावी रणभेरी बच चुकी है और तकरीबन हर बड़ी पार्टी की तरफ से फिल्मी सितारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। फिल्मी सितारों का सियासत से पुराना रिश्ता है, इससे राजनीतिक दलों को जनता को आकर्षित करने के लिए एक जाना पहचाना चेहरा मिल जाता है। जबकि फिल्मों में अपनी एक पारी खेल चुके अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को राजनीति में किस्मत आजमाने का एक फायदेमंद मंच। हर लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी बड़े चेहरों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारती रही हैं। फिल्मी सितारों का पॉलिटिक्स में कदम रखना कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई सुपरस्टार्स राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। राजनीतिक गलियारों से इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे गुजर चुके हैं। बॉलीवुड से राजनीति में एंट्री कर रहे अरुण गोविल और कंगना रनौत को अपनी सियासी डेब्यू में सफलता मिलती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो दिन भर की बड़ी खबरों की डिटेल रिपोर्ट आपने देखी, आगे देखिए हर महत्वपूर्ण खबर तेज रफ्तार के साथ। राउल रेवेन्यू कोर्ट में दोपहर 2 बजे होगी केजरीवाल की पेशी। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए दायर याचिका पर भी आज सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गोवा के आम आदमी पार्टी नेताओं को ईडी का समन। अमित पालेकर, रामाराव वाघा और दत्ता प्रसाद नाइक को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर घमासान जारी। रायपुर